साथियों, हर्बलिज्म विद हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको प्रकृति में अपने आप उगे औषधि जड़ी बूटी पेड़ पौधों से अवगत कराते हैं, जो औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। लेकिन इन औषधि गुणों की जानकारी नहीं होने के कारण हम इनका उपयोग स्वास्थ्य संरक्षण के लिए नहीं कर पाते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको एक भरपूर वृक्ष से अवगत कराएंगे, जिसका नाम है टर्मिनेलिया अर्जुन। इसे घवल, कुकुभ तथा नदी सर्ज, जो नदी नालों के किनारे होने के कारण नदी सर्ज भी कहते हैं, इसे कौवा तथा सादड़ी नाम से बोलचाल की भाषा में प्रख्यात यह वृक्ष एक बड़ा सदाहरित पेड़ है। लगभग 60 से 80 फीट ऊंचा होता है तथा हिमालय की तराई शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों में नालों के किनारे तथा बिहार मध्य प्रदेश में काफी पाया जाता है। इस वनस्पति का परिचय मैं आपको करा दूं। इसकी छाल पेड़ से उतार लेने पर फिर उगाती है, छाल का ही प्रयोग होता है। अतः उगने के लिए कम से कम 2 वर्षा ऋतुएं चाहिए। एक वृक्ष में छाल 3 साल के चक्र में मिलती है। छाल बाहर से सफेद, अंदर से चिकनी, मोटी तथा हल्के गुलाबी रंग की होती है। 4 मिलीमीटर मोटी यह छाल वर्षा में एक बार स्वयमेव निकल कर नीचे गिर पड़ती है। स्वाद कसैला होता है इसका, तीखा होता है तथा गोदने पर वृक्ष से एक प्रकार का दूध निकलता है। पत्ते अमरूद के पत्तों जैसे 7 से 20 सेंटीमीटर लंबे आयताकार होते हैं या कहीं कहीं नुकीले होते हैं। किनारे सरल तथा कहीं कहीं सूक्ष्म दांतों वाले होते हैं। वे बसंत में नए आते हैं तथा छोटी छोटी टहनियों पर लगे होते हैं। ऊपरी भाग चिकना तथा निचला रुक्ष तथा सिरा युक्त होता है। फल बसंत में ही आते हैं, सफेद या पीले मंजरियों में लगे होते हैं। इनमें हल्की सी सुगंध भी होती है। लंबे अंडाकार 5 या 7 धारियों वाले जेठ से श्रावण मास के बीच लगते हैं। वो शीतकाल में पकते हैं। 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे ये फल कच्ची अवस्था में हरे पीले तथा रखने पर पीले लाल रंग के होते हैं। फलों की गंध रुचिकर व स्वाद कसैला होता है। फल ही अर्जुन का बीज है। अर्जुन वृक्ष का गोंद स्वच्छ सुनहरा भूरा पारदर्शी होता है। शुद्ध परीक्षा, अर्जुन जाति के कम 15 प्रकार के वृक्ष भारत में पाए जाते हैं। इसी कारण कौन सी औषधि हृदय रक्त संस्थान पर कार्य करती है, यह पहचान करना बहुत जरूरी है। वृक्ष ऑफ हिंदुस्तान के विद्वान लेखक डॉक्टर घोष के अनुसार आधुनिक वैज्ञानिक अर्जुन के रक्त और संस्थान पर प्रभाव को बना सकने में असमर्थ इस कारण से रहे हैं क्योंकि इसमें आकृति में सदृश सजातियों की मिलावट बहुत होती है। छाल एक सी दिखने पर भी अनेक रासायनिक गुण और औषधि प्रभाव सर्वथा भिन्न है। सही अर्जुन की छाल अन्य पेड़ों की छाल की तुलना में कहीं अधिक मोटी तथा नरम होती है। रेखा रहित यह छाल अंदर से रक्त सार लिए होती है। पेड़ पर से छाल चिकनी चादर के रूप में उतर आती है क्योंकि पेड़ का तना बहुत चौड़ा होता है। अर्जुन की छाल को सुखाकर सूखे शीतल स्थान में चूर्ण रूप में बंद रखा जाता है। इसकी प्रभावी सामर्थ्य 2 वर्ष होती है। इसके गुण धर्म संबंधी विभिन्न आयुर्वेद शास्त्रों में वाग्भट एक ऐसे वैद्य हैं जिन्होंने पहली बार इस औषधि के हृदय रोग में उपयोगी होने की विवेचना की। चक्रदत्त व भाव मिश्र ने भी इसे हृदय रोगों की महाऔषधि माना। चक्रदत्त का कहना है कि घी, दूध या गुड़ के साथ जो अर्जुन की त्वचा का चूर्ण नियमित रूप से लेता है उसे हृदय रोग, जीर्ण ज्वर, रक्त पित्त कभी नहीं सताते तथा वो चिरजीवी होता है। भाव मिश्र के अनुसार अनेकों निगंडुओं में अर्जुन सिद्ध घृत को हृदय रोगों की चाहे हुए किसी भी प्रकार की दवा माना गया है। हृदय शूल के लिए अर्जुन की छाल का क्वाथ या चूर्ण विभिन्न अनुपातों के साथ लिए जाने का विधान जगह जगह बताया गया है। निगंडु रत्नाकर के अनुसार अर्जुन बलकारक है तथा अपने लवण खनिजों के कारण हृदय की मांसपेशियों को सशक्त बनाता है। वेल्थ ऑफ इंडिया में वैज्ञानिकों ने एक स्वर से अर्जुन की प्रशंसा की है। वो अपने प्रयोगों द्वारा पाया है कि इसकी छाल का चूर्ण उच्च रक्तचाप में लाभ करता है। यह चूर्ण मूत्र विरेचक भी है। इस प्रकार यह हृदय पर अतिरिक्त भार अपने द्विमुखी प्रभाव से तुरंत कम कर देता है। होम्योपैथी में अर्जुन एक प्रचलित ख्यात औषधि है। हृदय रोगों संबंधी सभी लक्षणों में विशेषकर क्रिया विकार, यांत्रिक गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हुए विकारों में 3x30 पोटेंसी में प्रयोग को होम्योपैथी के विद्वानों ने बड़ा सफल बताया है। अर्जुन संबंधी मतों में प्राचीन व आधुनिक विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, फिर भी धीरे धीरे शोध कार्य द्वारा शास्त्रोक्त प्रतिपादन अब सिद्ध होते चले जा रहे हैं। अर्जुन की छाल में पाए जाने वाले मुख्य घटक हैं बीटा साइटोस्टेरॉल अर्जुनिक अम्ल तथा फ्रिडेलिन। अम्ल ग्लूकोज के साथ एक ग्लूकोसाइड बनाता है जिससे अर्जुनेटिक कहा जाता है। इसके अलावा अर्जुन की छाल में पाए जाने वाले अन्य घटक इस प्रकार हैं। टैनिन्स, छाल का 20 से 25% भाग टैनिन्स से ही बनता है। पायरोगैलाल वो
कैटेकॉल दोनों ही प्रकार के टैनिन होते हैं। लवण कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट लगभग 34% की मात्रा में इसकी राख में होता है। अन्य क्षारों में सोडियम, मैग्नीशियम व एल्युमिनियम प्रमुख है। कैल्शियम सोडियम पक्ष की प्रचुरता के कारण ही यह हृदय की मांसपेशियों में सूक्ष्म स्तर पर कार्य कर पाता है। आधुनिक मत एवं वैज्ञानिक प्रयोगों के निष्कर्ष के अनुसार अभी तक अर्जुन से प्राप्त विभिन्न घटकों के प्रायोगिक जीवों पर जो प्रभाव देखे गए हैं उससे वर्णित कर्मों की पुष्टि होती है। विभिन्न प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि अर्जुन से हृदय की पेशियों को बल मिलता है, स्पंदन ठीक व सबल होता है तथा इसकी प्रति मिनट गति भी कम हो जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम तथा कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, हृदय सशक्त व उत्तेजित होता है। इसमें रक्त स्तंभक व प्रतिरक्त स्तंभक दोनों ही गुण हैं। अधिक रक्तस्राव होने की स्थिति से या कोशिकाओं की रुक्षकता के कारण टूटने का खतरा होने पर यह स्तंभक की भूमिका निभाता है, लेकिन हृदय की रक्तवाही नलिकाओं कोरोनरी धमनियों में थक्का नहीं बनने देता है। बड़ी धमनी से प्रति मिनट भेजे जाने वाले रक्त के आयतन में वृद्धि करता है। प्रभाव के कारण यह शरीर व्यापी तथा वायु कोशों में जमे पानी को मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देता है। खनिज लवणों के सूक्ष्म रूप में उपस्थित होने के कारण यह तीव्र हृदय पेशी उत्तेजक भी है। अर्जुन की छाल, पत्र तथा फल प्रयोग किए जाते हैं। छाल का चूर्ण 3-6 ग्राम दूध, गुड़ या घी के साथ 2-3 बार लिया जाता है। छाल का क्वाथ 50-100 मिलीलीटर, पत्र स्वरस 10-20 मिलीलीटर, शीरपाक 5-10 ग्राम। अर्जुन के अन्य उपयोगों में कफ पित्त शामक स्थानीय लेप के रूप में बाह्य रक्त स्राव में तथा वर्णों में पत्र स्वरस त्वक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। खूनी बवासीर में खून बहना रोकता है, वक्षदाह व जीर्ण खांसी में लाभ पहुंचाता है, पेशाब की जलन, श्वेत प्रदर तथा चर्म रोगों में चूर्ण रूप में लिए जाने पर लाभकारी है। सामान्य दुर्बलता के निवारण तथा विशेषोपचार में भी यह सामंजस्य की स्थिति लाने के लिए प्रयुक्त होता है। हड्डी टूटने पर इसकी छाल का स्वरस दूध के साथ देते हैं, इससे रोगी को आराम मिलता है, सूजन व दर्द कम होते हैं तथा शीघ्र ही सामान्य स्थिति आने में मदद करता है। आप किसी भी रूप में अगर इसका उपयोग करते हैं तो आपका अनुभव शेयर करिएगा।